শুধুমাত্র যে ইন্ডিয়া উপকৃত হবে তা না, আশেপাশের দেশগুলো উপকৃত হবে। ইকো ফ্রেন্ডলি গাড়ি বানাতে হবে, যেটা ইলেকট্রিক মানে কি, এখানে কি চার্জের মাধ্যমে চলবে, তারা যে সোলার সিস্টেমে বাড়ি ঘরগুলো তৈরি করেছে, হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব চমৎকার ছিল। স্বাগতম সবাইকে ভিডিও রিঅ্যাকশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরও একটি নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেই ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে টেসলা টু স্টার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন ইন্ডিয়া বুস্ট ফর মেক ইন ইন্ডিয়া। তার মানে বুঝতেই পারছেন যে টেসলা ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচারের জন্য ইনভেস্টমেন্ট করতে যাচ্ছে, এই ধরনের একটা ভিডিও। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্স অ্যাফেয়ার্স থেকে। तो चलो सब मिले वीडियो टी देखा सी। दोस्तों वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ पिछले एक महीने में ये न्यूज कंफर्म हो गई थी कि टेस्ला इंडिया में एंट्री कर रहा है, मगर हमको ये पता नहीं था कि टेस्ला क्या इंडिया में सिर्फ गाड़ियां बेचने के लिए आ रहा है या फिर ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि टेस्ला अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में एस्टैब्लिश करेगा इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे आप देखेंगे आज के समय ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है, बहुत से आपको आर्टिकल्स मिलेंगे यहाँ पर। टेस्ला सेलेक्ट्स कर्नाटका फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन इंडिया। और ये न्यूज़ देखो बहुत ही स्पेशल है। टेस्ला को आप अगर देखो चाहे रेवेन्यू के मामले में, ये होंडा या फिर हुंडई या फिर यू नो और जो मेजर कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सामने भी काफ़ी छोटी है। टेस्ला अपने आप में एक ब्रांड है क्योंकि टेस्ला रिप्रेजेंट करती है न्यू एज टेक्नोलॉजी। सबको पता है कि टेस्ला की गाड़ियां ही इन द फ्यूचर ज़्यादा बिकने वाली है उनके एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की वजह से। और दुनिया में बहुत कम देश हैं आज के समय जहां पर टेस्ला गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है। टेस्ला का कोई भी प्लांट आपको नहीं मिलेगा रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर इवन मिडिल ईस्ट में। बस चुनिंदा जगह है, एक तो यूएस में के कुछ प्लांट्स हैं, फिर यूरोप में आप अगर देखो तो जर्मनी में प्लांट है, नेदरलैंड्स में प्लांट है, फिर चाइना में, और अब ये सेटअप करेंगे इन इंडिया। और बाय द वे इंडिया में जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है ये करेगी इनकी नेदरलैंड्स की आर्म, ठीक है। टेस्ला डच जो इनकी कंपनी है, यूरोपिया इनकी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडी आप कह सकते हैं, ये सीधा पैसा डालेगी इंडिया में। इसका रीज़न ये है क्योंकि इंडिया ने नेदरलैंड के साथ एक ट्रीटी कर रखी है डबल टैक्सेशन को लेकर, तो टेस्ला को टैक्स में थोड़ी बहुत बचत मिल जाए इसके लिए ये लोग यूरोपियन कंट्री नेदरलैंड से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इनटू इंडिया। अब एक बात यहाँ पे आपको ये भी जाननी चाहिए कि टेस्ला ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार ही मैन्युफैक्चर करता है, उसके अलावा इनके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि जो इनकी कार्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इनके बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत ही लग्जूरियस इनकी कार्स हैं, ये दुनिया भर में काफ़ी फेमस है, ये इंडिया में ये मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी है कि टेस्ला इन द फ्यूचर सोलर पैनल और सोलर रूफटॉप भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करे। सोलर रूफटॉप क्या होता है, देखो सोलर रूफटॉप यहाँ पे आप देख पाओगे, ये टेस्ला का एक प्रोडक्ट है जिसके अंडर घर की शेप के हिसाब से, घर के साइज के हिसाब से ये कस्टमाइज रूफटॉप बनाते हैं जो सोलर पावर को कैप्चर करती है इन बैटरीज। यूएसए में आज के समय बहुत सारे जो स्मार्ट होम्स हैं वहाँ पे काफ़ी उनका आप कह सकते हैं इंटेग्रल पार्ट बन चुका है सोलर रूफटॉप। यूएसए में ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, और टेस्ला इनको काफ़ी प्रमोट भी करता है जहाँ भी ये सेल करते हैं अपनी गाड़ियाँ। और सोलर रूफटॉप के अलावा ये लोग ऑलरेडी मेड हाउसेज पर सोलर पैनल्स भी सेल करते हैं, ये भी आई एम श्योर इंडिया में ये बेचना चाहेंगे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इन द फ्यूचर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरीके से इनके सोलर पैनल्स काम करते हैं। इनका ये कहना है कि इनके सोलर पैनल्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और जो बाकी आम सोलर पैनल हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं इन यूजेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि टेस्ला एक्सपैंड कर क्यों रहा है, ये अचानक से अब इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग अपना बेस ओपन क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखो पहली बात तो इन्होंने ना सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया है, इन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडिया में एक रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट भी सेटअप करेंगे इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। इलॉन मस्क ने वादा किया अपने इन्वेस्टर्स को कि 2030 के बाद से ये हर साल 2 करोड़ गाड़ियाँ बेचेंगे, 20 मिलियन कार्स विल बी सोल्ड एवरी ईयर आफ्टर 2030। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर आर्टिकल है बिजनेस इंसाइडर का। अब ये काफ़ी बड़ा टारगेट है क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो टेस्ला की साल में गाड़ियाँ बिकती हैं 3.5 से लेकर 4 लाख के आसपास। तो यहाँ से अगर ये कहते हैं कि मुझे 2 करोड़ गाड़ियाँ बेचनी हैं हर साल, इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज टारगेट। और ये सब करने का रीज़न भी इनके पास बहुत ही सिंपल है, टेस्ला कार्स की डिमांड आज के समय दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। टेस्ला बन चुका है एक ग्लोबल ब्रांड। आप ऑनलाइन देखोगे, इंडिया में भी आप अगर किसी आम नागरिक से ही पूछ लो इलॉन मस्क, उसको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर एक ब्रांड बन चुका है इलॉन मस्क टेस्ला।
एवरीवन वांट्स टू ओन देयर कार। और आप जान के हैरान होंगे कि कई इंडियंस हैं जिन्होंने 2016-17 में ऑर्डर करी थी टेस्ला कार, आज तक उनको अपना ऑर्डर मिला नहीं है, वो तो डिमांड इनकी कार की बहुत ज्यादा है, इनको बस इंक्रीज करनी है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो उसके लिए ऑब्वियसली ये लोग फोकस करने वाले हैं इंडिया और चाइना, इन दोनों कंट्रीज पर। और जो टेस्ला का ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले 5 साल में 2016 से आप अगर देखो, टेस्ला का सिर्फ एक शेयर जिसकी उस वक्त वैल्यू थी $33 मतलब रफली आप कह सकते हो ₹2300, आज के समय ये बढ़ बढ़ के पहुँच गया है $816 पर, मतलब कि ऑलमोस्ट ₹60,000 फॉर जस्ट वन शेयर। तो टेस्ला का जो रीजन एक्सपेंशन का, ये आप समझ सकते हैं इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा। देखो टेस्ला अपने साथ लेके आएगा इन्वेस्टमेंट्स, जब ही इंडिया में ओपन करेंगे फैक्ट्रीज तो इंडिया में आएगी इससे जॉब्स। और आप सोच कर देखो, पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, और जो साउथ एशिया है जिसमें आप बाकी मार्केट्स को काउंट कर लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उसके अलावा आसियान देश हैं, इवन आप कह सकते हो बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होगी इन द फ्यूचर ये होगी मेड इन इंडिया। और हु नोस, पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन द फ्यूचर टेस्ला मेड इन चाइना कार्स के बजाय मेड इन इंडिया कार्स एक्सपोर्ट करे टू द यूरोपियन कंट्रीज। तो एक तो फायदा हमारा यहाँ पर ये है, दूसरा फायदा यहाँ पर यह है कि टेस्ला का आना इंडिया में अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एडवर्टीजमेंट है फॉर मेक इन इंडिया। दुनिया भर की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नोटिस करेंगी कि ठीक है टेस्ला ने आप इन्वेस्टमेंट कर ली है। टेस्ला देखिए बहुत ही अग्रेसिव स्टडी से आगे बढ़ता है, वो लोग वेट नहीं करते कि दूसरे कब कुछ करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। इलॉन मस्क का एक ट्रेंड है कि वो हमेशा पहला स्टेप लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है टेस्ला के आने के बाद कई और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दुनिया भर में, ये भी इंडिया में आना चाहेंगी और ये भी इंडिया में पंप करेंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर तीसरा फैक्टर ये भी है कि जो आम इंडियंस हैं, आम इंडियंस कहना यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे मैं कहूँगा जो अपर मिडिल क्लास इंडियंस की है, जो लाखों में कमाते हैं जो लोग, वो लोग भी एक्चुअली टेस्ला की कार्स परचेज कर पाएंगे इंडिया में अगर टेस्ला की गाड़ी बनती है इन इंडिया। आपको समझाता हूँ कैसे। अभी के लिए देखो टेस्ला का जो सबसे सस्ता मॉडल है ना, टेस्ला मॉडल स्टैंडर्ड वर्जन, इसकी टोटल कॉस्ट है यूएसए में लगभग $41,000, इंडियन रुपीस में रफली आप कह सकते हैं 30 से लेकर 35 लाख रुपए। अब जो गाड़ी बिकती है 30-35 लाख की यूएसए में, इंडिया में जब ये बिकती है ना तो इसका प्राइस हो जाता है 60-70 लाख के आसपास। इसका रीज़न क्या है? देखो रीज़न है यहाँ पर टैक्सेस। टेस्ला कार्स का कोई भी कंपोनेंट इंडिया में बनता नहीं है, ये आती है एज कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स इन इंडिया, और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट इन पे लगा देती है हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज 50-100% के आसपास। फिर सब के ऊपर और टैक्सेस होते हैं, तो सब कुछ आप अगर काउंट कर लो तो इंडियन कंज्यूमर को डबल पे करना होता है कंपेयर टू एन अमेरिकन फॉर वन टेस्ला कार। तो अगर ये इन द फ्यूचर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं गाड़ियां, तो आई एम श्योर पॉसिबिलिटी है 30 से लेकर 40 लाख के आसपास की एक टेस्ला एक इंडियन परचेज कर सकता है। अगेन काफ़ी महंगी है, इतने का एक यू नो घर आ जाए किसी का, मगर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो एक बार को लोन लेकर भी टेस्ला की गाड़ी परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। और ये लोग इंडिया में वॉल्यूम्स में नहीं खेलेंगे, जैसे होंडा खेलता है, मारुति खेलता है कि इतनी गाड़ियाँ बेच दी, लाखों गाड़ियाँ बेच दी, ये प्राइमरली फोकस करेंगे अपने कंज्यूमर सेगमेंट पे। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लग्जरी सेगमेंट है वहाँ पर आकर्षित करेंगे लोगों को। और इंडिया में भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं टेस्ला का, और सिंस इंडिया में टेस्ला ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है, इनको उम्मीद है कि ये भी यहाँ पर ठीक ठाक बिजनेस कर लेंगे। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं सरकार इतना सारा टैक्स क्यों लगाती है टेस्ला की गाड़ियों को जो आती है फ्रॉम चाइना या फिर US। देखो इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, हम लोग ये नहीं चाहते कि इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर ही ना हो। हम लोग बेसिकली इन कंपनीज को ये कह रहे हैं इंडिया की मार्केट में सामान बेचना है, इंडिया में आओ, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करो, हमारे लोगों को जॉब दो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, उसके बाद इंडिया की जो विशाल मार्केट है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से इंडिया ने दो नीतियाँ अपनाई। इंडिया ने पहले तो ये इंश्योर कर लिया कि कोई आदमी अगर इंडिया में मेड इन चाइना टेस्ला कार या फिर मेड इन US टेस्ला कार मंगाता है तो उसको डबल से भी ज़्यादा पे करना होगा। तो ऑटोमेटिकली कई लोगों ने इस चक्कर में टेस्ला कार कभी ऑर्डर करी नहीं। फिर उसके अलावा इंडिया ने ये कहा कि हम लोग फेम स्कीम के अंडर, फेम का मतलब क्या है, फेम मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये एक स्कीम है भारत सरकार की,
इसके अंडर ये लोग 10,000 करोड़ के इंसेंटिव देंगे उन कंपनीज को जो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इंसेंटिव वेरियस फॉर्म्स में है, टैक्स की फॉर्म में और भी वेरियस तरीके से। तो जो फेम स्कीम है ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है और इसने भी एक रोल निभाया है टेस्ला को इंडिया में लाने में। इस सब के अलावा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ये अपनी तरफ से भी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर लैंड ऑफर कर रही है टेस्ला को। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ने तो हाल ही में यही कह दिया था कि हम बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, प्लंप लोकेशन पे हम लैंड ऑफर करेंगे टेस्ला को अगर ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं इन महाराष्ट्र। तो इंडिया में स्टेट्स में कंपटीशन चल रहा है, स्टेट्स कह रही है कि हम आपको लैंड देंगे, सेंटर कह रही है कि हम आपको और इंसेंटिव देंगे, और फिर इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन मार्केट ऑलरेडी है ही, तो इलॉन मस्क को इंडिया में आना ही था। और फिर आप अगर देखो इनके लार्जर गोल को, 2030 वाले गोल को, तो वो गोल अकॉम्प्लिश ये कर ही नहीं सकते विदाउट मेक इन इंडिया। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो तो हमारे पास अगर ऑप्शन आती है अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आप जान के हैरान होंगे कि इंडिया में ऑन एवरेज बहुत कम लोग ओन करते हैं गाड़ियाँ कंपेयर टू इवन चाइना। इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, ये आपके सामने है। अगर इंडिया में 1,000 लोग हैं तो 1,000 लोगों के हिसाब से सिर्फ 22 गाड़ियाँ हैं। इसके कंपेरिजन में अगर USA में 1,000 लोग हैं तो उसके कंपैरिजन में 980 कार्स हैं। USA में बहुत सारी कार्स हैं। चाइना में जो ये एवरेज है ये है 1,000 लोगों के हिसाब से 164 कार्स। तो इंडिया का बताया जा रहा है कि 2040 में आने वाले 20 साल में ये नंबर 22 से उठ के हो सकता है 175। और चलिए हम 2040 तक नहीं जाते, 2030 तक की आप अगर देख लो तो 2030 तक भी अगर हम 1,000 लोगों के हिसाब से 60 से लेकर 70 कार्स की जो एवरेज है यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तब भी इसका मतलब यह है कि इंडिया में आपको दिखेंगी 2.5 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि सरकार का भी प्लान है कि 30% जो कार्स हैं ये होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। तो इंडिया में देखो करोड़ों की संख्या में अभी गाड़ियाँ बिकती हैं, ह्यूज पॉपुलेशन है जो अभी धीरे धीरे अपनी इनकम इंक्रीज करेगी। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। मैं बस यहाँ पे ये चाहूँगा कि इंडियन कंपनीज जो हैं, जो यहाँ पर इंडियन वेरियस कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स हैं, उसके अलावा मारुति भी है, ये लोग भी बहुत ही जल्द लग्जरी सेगमेंट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना स्टार्ट कर दें अगर टेस्ला को प्रॉपर कंपटीशन देना है। क्योंकि टेस्ला का जो ग्लोबल ब्रांड है इससे बहुत से इंडियंस आकर्षित होंगे। टेस्ला इंडिया में आ गया अच्छी बात है, मगर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि ये लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कम्प्लीटली इंडियन मार्केट को। तो बुझाई जाच्छे जे टेस्ला की कारणे इंडियाते इन्वेस्टमेंट करबे एर एकटा बिशद डिस्क्रिप्शन किन्तु ए भिडियोते एकटा छिलो যে এইসব কারণে ইন্ডিয়াতে আসবে। তার মধ্যে প্রথম কারণটাই ছিল, কারণ হচ্ছে নেদারল্যান্ডের সঙ্গে, নেদারল্যান্ড কোম্পানি টেসলা এবং নেদারল্যান্ডের সঙ্গে ইন্ডিয়ার বিজনেস রিলেটেড কিছু ইস্যু আছে যাতে টেসলা আগায় থাকবে কাজের ক্ষেত্রে কিংবা ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে। এবং গভর্নমেন্টের দিক থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও তো তাদেরকে ট্যাক্স ফ্রি করে দিচ্ছে মনে হয় কিছু, হ্যাঁ, এবং কিছু ইনসেন্টিভ দিচ্ছে মনে হয় এগুলা। এই কারণে তো বাহিরের এরা তো ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে। তো সেক্ষেত্রে যদি টেসলা আসে, যেটা বলা হলো যে যেহেতু এরকম বড় একটা কোম্পানি যদি ওখানে আসে, তাহলে আরও অন্যান্য যারা আছে যারা ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় ইন্ডিয়াতে, তারা কিন্তু আগ্রহী হবে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য। কারণ একজন বড় একজন গেলে মনে করো যে সবাই মনে করবে না ঠিক আছে, সে যেহেতু স্টেবল হতে পেরেছে, সাহস পেয়েছে, তাহলে আমরাও যেতে পারবো, এরকম একটা সাহসের ব্যাপারও চলে আসে ওইখানে। তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করবো যে যদি টেসলা সত্যিকার অর্থে আসে, তাহলে বাকি যারা ইনভেস্টর আছে বিভিন্ন দেশের ইনভেস্টর, তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ওখানে আসা শুরু করবে। এবং এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা ঘটবে যে শুধুমাত্র যে ইন্ডিয়া উপকৃত হবে তা না, আশেপাশের দেশগুলো উপকৃত হবে। কারণ যখন বাহির থেকে কোম্পানিগুলো ইন্ডিয়াতে ইনভেস্টমেন্ট করতে আসবে, তখন কিন্তু তারা কাছাকাছি অন্য দেশগুলোতেও তারা চাবে যে ম্যানুফ্যাকচার ফ্যাক্টরি আমরা এস্টাবলিশ করি, কেননা সব কিছু তো একই জায়গায় হয়তো বা করা সম্ভব হবে না। বা এটাও হতে পারে যে ওয়ার্কারের প্রয়োজন আছে, অথবা তারা জিনিসটাকে সেল করতে চাচ্ছে আশেপাশের কান্ট্রিতে, তো সেক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে অনেক ব্যাপারেই কিন্তু তারা ছাড় পাবে। তো আমার কাছে মনে হয় যে না, কাজের ক্ষেত্রটাও তৈরি হবে, সাথে মানুষের উপকার হবে। এবং প্লাস লাস্ট যেটা বললো যে অন্যান্য কোম্পানি যারা এক্সিস্টিং আছে, তাদের কিন্তু তারা চাচ্ছে যে তারাও আস্তে আস্তে এই এই দিকটাতে, ইলেকট্রনিক্স কারের দিকে কিংবা গাড়ির দিকে আগাবে। কেননা এখন পরিবেশ ফ্রেন্ডলি গাড়ি বানানোর প্রতি সারা পৃথিবীতে সব কোম্পানি কিন্তু আগায় যাচ্ছে, যে
ইকো ফ্রেন্ডলি গাড়ি বানাতে হবে, যেটা হচ্ছে এলন মাস্ক বানিয়েছে টেসলা গাড়ির ক্ষেত্রে হচ্ছে। আমার একটা জিনিস আসলে জানার ছিল, সেটা হচ্ছে যে গাড়িগুলা বলছে যে ইলেকট্রিক, তো ইলেকট্রিক মানে কি, এখানে কি চার্জের মাধ্যমে চলবে এখানে এরকম কোনো কিছু? তবে এটা এখনো আমার কাছে ক্লিয়ার না, কেননা হচ্ছে গাড়ির ভিতরে সবকিছু ইলেকট্রনিক্স দেখতে পাচ্ছি। তার মানে কি ডিজেল লাগছে না? ডিজেল তো লাগছে, কেননা যখনই গাড়ি ইলেকট্রনিক্স হবে কিংবা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে চলবে তখন তার উপর সোলার সিস্টেম থাকবে। তো এলন মাস্কের গাড়িতে সোলার সিস্টেম থাকে অতটুকু আমি জানি, বাট আই থিঙ্ক সব গাড়ি যে ফুললি মানে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে চলছে তা মনে হয় না, কিছু না কিছু আলাদা পাওয়ার সিস্টেম সম্ভবত আছে। আসলে কিভাবে ইলেকট্রিক হচ্ছে, ইলেকট্রনিক হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে কিভাবে আমার মনে হয় এই ব্যাটারি চালিত হচ্ছে না কি অন্য কোনো ভাবে নিচ্ছে, বা এটা সোলার সিস্টেমে চলছে, এটা আমার একটু জানার ব্যাপার আছে, কারণ আমি একদমই অজ্ঞ এই ব্যাপারে। তো আমার কাছে তারপরেও আমার ভালো লেগেছে যে না ঠিক আছে, এটা যদি পরিবেশ বান্ধব হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা মানুষের জন্য উপকারে আসবে। আর আরেকটা জিনিস ভালো লেগেছে যে তারা যে সোলার সিস্টেমের বাড়ি ঘরগুলো তৈরি করেছে, হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব চমৎকার ছিল। আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেই জিনিসটাকে তারা গাড়িতে রেখেছে, সেই সোলার সিস্টেম এরকম, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে না একটা বাড়ির বিদ্যুৎ সবকিন্তু এই সোলার সিস্টেম থেকে আসবে। এখানে আরও একটা প্রশ্ন, যদি একটা বাড়ি ফুললি সোলার সিস্টেমের আন্ডারে চলে যায় তখন এই বাড়িতে আমার মনে হয় না যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে কি না এরকম কোনো না, এটা হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ, কেননা হচ্ছে এই বিদ্যুৎ সিস্টেমটা হচ্ছে ডিসি সিস্টেমে চলছে এবং পুরো বিদ্যুৎটা তো আর্থিং করা থাকছে, দ্যাটস ওয়াই কোনো প্রবলেম নেই। আর সোলার সিস্টেমে হচ্ছে যে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎটা আসে সূর্যের আলো থেকে, সো বিপদ হওয়ার মতো অপশন আসলে এখানেই কমে গিয়েছে। আরও বেশি পড়ালেখা করতে হবে এগুলো ব্যাপার নিয়ে। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটা আমাদের ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। আর আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন, এবং আমাদের সঙ্গে আপনারা বসে আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই আমাদেরকে লিখে জানাবেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।